So guys, in pre-workout I'm having this one banana. Three to four dates. लेट हो गया ये मतलब. सो गाइस, जो तीसरी चीज है प्री वर्कआउट में जो मैं लेता हूँ वो है प्री वर्कआउट सप्लीमेंट. ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो. देख, मैं भी इसे रोज नहीं लेता हूँ. मैं किस दिन लेता हूँ, जिस दिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं रात को अच्छे से नहीं सोया, वीडियो एडिटिंग करते हुए लेट हो गए, या फिर आप वर्ल्ड कप चल रहा है वो देखने में लेट हो गए, या फिर ऑफिस का काम करने में लेट हो गए, और सुबह जल्दी उठना है, आपकी नींद अच्छे से नहीं हुई है, और सुबह आप बहुत एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, और आपको एक हैवी वर्कआउट करना है, आपका आज डेडलिफ्ट है या फिर स्क्वाट्स है या फिर आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड का लास्ट वीक या थर्ड वीक है, तो उस दिन मैं ये लेता हूँ जिस दिन मुझे लगता है कि आज बिना इसके नहीं हो पाएगा. ये मेरा फेवरेट नहीं है, और ये है मसल फार्म MP और सॉल्ट. तो इससे पहले मैंने एक दूसरा सप्लीमेंट ट्राई किया था, वो था सेल्फोर C4. ओके, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था. रीज़न ये था कि इसमें कैफ़ीन कम थी. ओके, और इसमें कैफ़ीन ज़्यादा है, और इसकी सर्विंग कुछ 5 ग्राम की थी, इसकी सर्विंग 12 ग्राम की है. तो इसके साथ जो मुझे स्कोप मिला था वो ये स्कोप था, लेकिन मैं वो स्कोप यूज़ नहीं करता हूँ. मैं ऑलमोस्ट उसका हाफ स्कोप, एक जो अलग स्कोप मुझे मिला था, मतलब इसमें के साथ नहीं मिला था, मुझे BCAA के साथ मिला था, उसे भी मैं हीप नहीं बनाता हूँ कम. तो ये ऑलमोस्ट 4 ग्राम है. कभी मैं इतना और कभी इससे भी ज़्यादा कम लेता हूँ अगर मुझे लगता है कि कम से हो जाएगा. तो इसकी गलत बात यह है कि इसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा है, जो मुझे पसंद नहीं कि जबरदस्ती अपनी बॉडी में आप कैफ़ीन डालो. और अगर आप स्पेशली शाम में वर्कआउट कर रहे हो और आपको सोने में प्रॉब्लम है, अगर आपको नींद देर से आती है, तब तो ये बिल्कुल मत लीजिए. लेकिन अगर आप इस टाइप के इंसान हैं जो बस में खड़े खड़े सो जाते हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब आप ट्रैफिक, बस, लोग, भीड़, पसीना सब में सो सकते हो, तो ये क्या चीज़ है. अरे, इससे तो गिलास ही टूट जाएगा. सो गाइस, जो आज की वीडियो का मकसद है वो ये नहीं है दिखाना कि मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ, ये भी है, लेकिन मेन ये है कि आपको बताना कि एक फिजिक मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही बॉइल्ड चीज़ें या रूखा सूखा खाना पड़ता है. आप एक नॉर्मल खाना खा के भी अपनी फिजिक मेंटेन कर सकते हो, चाहे साल का कोई भी महीना. मेरे एब्स हमेशा सेम रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत श्रेडेड हो जाता हूँ या फिर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है. मेरी जो फिजिक है वो सेम रहती है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, कैसे मैं ऑफिस के साथ ये सारी चीज़ें करता हूँ. देखिए, सिंपल हो के भी, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करके भी आप फिजिक अपनी मेंटेन कर सकते हैं. तो वो कैसे होता है, यही मेरा आज बताने का मकसद है. आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो. और बहुत लेट हो गया है जिम को. आई विल सी यू इन द जिम. वेट वेट, बैक फ्रॉम द वर्कआउट. और वर्कआउट के बाद मैंने लिया है 1 स्कूप वे प्रोटीन, मसल ब्लेस, नॉट स्पॉन्सर्ड. इसके बाद हम खाएंगे एक फ्रूट. और मैं लंच के लिए ले जा रहा हूँ ये वाइट राइस, क्योंकि ब्राउन राइस भीगे निकल रहा था. और नीचे है चिकन और इसमें है दाल, दो चीज़ें. और एक्चुअली पपाया भी करना था लेकिन आज लेट हो गया, सो मैं स्किप कर रहा हूँ. सो गाइस, द ब्रेकफास्ट इज रेडी. मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या है. ये है, क्या बोलते हैं इसे, दलिया उपमा. ओके, एंड दिस इज 4 एग व्हाइट. और ये चाय में चीनी नहीं है. तो ये सारी चीज़ें इसमें हो गया, प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और चाय. तो चाय, आफ्टर ब्रेकफास्ट आई एम हैविंग दिस 1 टैबलेट ऑफ GNC मेगामैन मल्टीविटामिन. गोली निकलने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, आप लोग को भी होती है क्या. अगेन, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड. इस वीडियो में आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं
कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो आपने अंडे देखे अभी वो मुर्गियों द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। वैसे मुर्गियाँ क्यों स्पॉन्सर करेंगी अंडे, वो तो उनके बच्चे हुए ना, कोई अपने बच्चे को खाने के लिए क्यों स्पॉन्सर करेगा। अच्छा वहाँ देखे रही है लॉक इट। हेलो भैया कैसे हो? भालो भालो हाय सुरेश, स्टैंड अप स्टार्ट है। आसाम टी, जस्ट प्लेन वाटर एंड टी, नो शुगर नो मिल्क। ओके सो मैं यहाँ आके बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पेंट्री में वहाँ बात करता था, लोग कहते क्या पागल इंसान हो गया, क्या कैमरा लेके जा रहा हो बात कर, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका भाई ब्लॉगर है। चलो आई एम गोइंग डाउन। सो गाइस आई जस्ट हैड माई लंच और लंच और बताइए क्या था, चिकन था, वाइट राइस था और दाल थी। और सुबह से मैंने अभी तक एक वाटर बॉटल ख़त्म कर दी है 6:50 PM में। और अच्छी बात यह है कि आज मेरे ऑफिस में एक नया जिम खुला है तो हम वही देखने जा रहे हैं, तो मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। चलो भाई साइकिल के लिए एंट्री करना है क्या? नहीं ना फिर तो all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. Ha 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 ha!
सो दोस्तों ऑफिस से घर आ गए हैं और रास्ते में आपने देखा एक नारियल पानी पिया था, तो वो भी कभी कभी रोज में, और ये चाय, तो चाय मिलती है बट उसमें शुगर नहीं है। तो आज मैच भी चल रहा है इंडिया बांग्लादेश का, तो अब हम देखते हैं मैच विद चाय और आपको मैं मिलता हूँ डिनर में। तो मैं आपको बताता हूँ कि डिनर में मैं क्या करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि रात को सोने से पहले मैं क्या प्रिपरेशन करता हूँ दूसरे दिन जिम के लिए और ऑफिस के लिए, ताकि सुबह का टाइम बच जाए। सो एज द डिनर इज़ रेडी और प्रियंका ने बहुत ही प्यारा डिनर बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है डिनर में। इसमें चिकन, रोटियाँ, ये रोटी आपको थोड़ा सा एकदम वाइट नहीं लग रही होगी क्योंकि इसमें रागी आटा मिला हुआ है, और उसके बाद भिंडी, गाजर, और इस ये है रायता, इसमें खीरा और कड़। ओके, सो सेम प्लेट यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, बस चिकन की जगह यहाँ पर आ गए। तो ये हमारा 90% मतलब यही रहता है डिनर, तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम बाहर जाएं। रास की बात बताता हूँ, देखिए हम दोनों लोग वर्किंग हैं और हमारी कोई मेड वेट तो है नहीं, तो हम कैसे मैनेज करते हैं खाना, तो प्रियंका का ये सीक्रेट है। तो ये क्या करती है कि जैसे कल सुबह की दाल अभी बना देती है, तो जैसे अब कल सुबह अभी मैं क्या होगा डिनर के बाद मैं ब्राउन राइस भिगा दूंगा, तो ब्राउन राइस सुबह फिर जल्दी बन जाते हैं। तो दाल भी बन गई, ब्राउन राइस सुबह ब्रेकफास्ट जब बन रहा है तो चावल चढ़ा दो, तो चावल बन जाते हैं। ओके, तो आपका लंच भी साथ में बन गया। और एक और वो है कि ये मसाले सारे एक साथ पका देती है, क्या सही है ना? तो समझ गया, तो एक मसाला मतलब आपका इससे टाइम भी बच गया, तो एक मसाले से सारी चीजें हो गई और वो भी हो गया। तो इसमें सीटी आने वाली है, फिर आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। देखा कितने जल्दी डिनर करके आ गया मैं। तो अब हम बात करते हैं, बात क्या करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या तैयारियाँ करता हूँ दूसरे दिन के लिए, जिम के लिए या फिर ऑफिस के लिए। जो सबसे पहली चीज़ है वो है, सबसे पहला काम है वो है राइस भिगा लो, अगर ब्राउन राइस है तो। वाइट राइस भिगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें लोग तो गिर गया। राइस भिगाने के बाद जो दूसरा काम है वो है वे प्रोटीन भर लेना। उसके बाद है कि आप अपने जिम के कपड़े रख लो पहले ही बाहर निकाल के कि क्या पहनने वाले हो। सो गाइस यही था आज के वीडियो में, आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको पता चला होगा कि क्या एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, और आपको थोड़े आपके जो मिथ्स हैं वो भी दूर हुए होंगे, क्योंकि आजकल ना मार्केटिंग या पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जो भी एक ऐसा हो गया कि जो चीज़ नॉर्मल है वो काम नहीं करेगी। मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ही अलग से है, जैसे कीटो है, तो हाँ इसी से फैट लॉस हो सकता है, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग काफ़ी पॉपुलर चल रहा है, तो ये सारे परसेप्शंस बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए आज आपने देखा मुझे, मैंने कुछ भी ऐसा अजूबा सा नहीं किया, मतलब कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं किया। जो खाना नॉर्मल खाते हैं, जो खाना बचपन से खाते हुए आए हैं वही खाया, बट ये था कि सारी चीज़ें टाइम से थी। अगर आप नॉर्मल चीज़ें फॉलो करोगे ना तो आपके लिए एक तो आसान होगा क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, और दूसरा कि आप उसे लंबे टाइम तक कर सकते हो। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे दूसरे लोगों को हेल्प हो सकती है तो शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर।